दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं शाही मटन मसाला। इस रेसिपी को हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। ये रेसिपी देखने में जितनी टेस्टी है उससे कहीं ज्यादा खाने में है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1/2 kg मटन ले लिया है और इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालते हैं 2 tbsp जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 tbsp धनिया पाउडर, 1/2 tbsp जीरा पाउडर, 1 tbsp लाल मिर्च पाउडर, 1 tbsp कश्मीरी मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा, 1/2 tbsp काली मिर्च का पाउडर, 1/2 tbsp गरम मसाला, 1 tbsp नींबू का रस डाल देते हैं इसमें, हल्दी डाल देते हैं, 1/2 tbsp नमक और 1/2 कटोरी दही डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1/2 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेशन में रख देंगे। अब एक पैन में हम 1/2 कटोरी ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल गरम होते ही हम इसमें 4 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं। हम इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से प्याज के अंदर का जो पानी होता है वो जल्दी उड़ जाता है। आप इसे थोड़ा ज्यादा ऑयल में फ्राई करें ताकि ये परफेक्टली फ्राई हो जाए। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है तो चलिए इसे हम जल्दी से निकाल लेते हैं। अब एक पेस्ट बना लेते हैं हम ड्राई फ्रूट्स का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 15 काजू ले लिया है और थोड़ा सा हमने नारियल ले लिया है। आप चाहे तो इसमें बादाम भी ऐड कर लें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के हमने मिक्सी में इसे पीस लिया है। अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रेशर कुकर में हम 1/2 कटोरी ऑयल डाल लेते हैं। मैंने जिसमें प्याज फ्राई किया था मैं वही ऑयल यूज कर रहा हूँ। ऑयल गरम होते ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले 2 इंच दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 तेजपत्ता, 4-5 लौंग, थोड़ी सी जावित्री और 4-5 छोटी इलायची डाल के हम इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देते हैं और इसे हमें हाई फ्लेम पे 10-12 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। 10 से 12 मिनट हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें डालते हैं हम काजू का पेस्ट और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब प्याज को जो हमने फ्राई किया था उसे हम हाथों से क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस लें दरदरा। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स करके 4-5 हरी मिर्चें डाल लेंगे इसमें, थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ा सा पुदीना डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे 4-5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। 4-5 मिनट मटन को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ 1/2 कॉफी कप और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक उबाल आ गया है तो अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर लेते हैं और फ्लेम को हम हाई करके पहली सीटी हाई फ्लेम पे ही लगवाएंगे। पहली सीटी हाई फ्लेम पे लगने के बाद हम फ्लेम को लो कर लेते हैं और इसे 12-14 मिनट तक आराम से पकने देते हैं। प्रेशर रिलीज होने के बाद हम ढक्कन खोल लेते हैं और इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं 1 tbsp मीट मसाला डाल रहा हूँ और थोड़ा सा नमक डाल के हम इसे मिक्स करके ढक लेते हैं 2 मिनट के लिए। दोस्तों ये देखो आपका शाही मटन मसाला बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप इसे नान, बटर नान, रुमाली रोटी कैसे भी खाओ ये बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।